लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई शिवसेना के बेलापुर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने आज नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और वासी गांव में पार्किंग की समस्या, रोहाउस इलाके में जलापूर्ति और उड़ान पुलों के नीचे रहने वाले नशेड़ियों को तत्काल हटाने जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और उस पर समाधान की मांग की। इस दौरान उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्य राव, युवा नेता अवधूत मोरे, संदीप पवार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना के बेलापुर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने आज नागरी समस्याओं को लेकर एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की। तमाम पदाधिकारियों के साथ मनपा मुख्यालय पहुंचे विट्ठल मोरे ने सानपाड़ा उड़ान पुल का मुद्दा उठाया, जहां आजकल नशेड़ियों और गर्दुल्लों का राज है। उन्होंने यहाँ मानखुर्द की तरह रेलिंग लगाने और उड़ान पुल को गर्दुल्लों से मुक्त कराने की मांग की। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने भारत सेवाश्रम सोसाइटी के कैंसर मरीजों के खुलेआम घूमने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग ऐसे कैंसर मरीजों के खुलेआम घूमने से परेशान हैं। विट्ठल मोरे ने कहा कि ऐसे मरीजों के लिए सेवाश्रम संघ को प्रांगण में ही इंतजाम रखना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को कोई तकलीफ न होने पाए। उन्होंने आयुक्त से इन मुद्दों पर समाधान की मांग की। फ्लाईओवरच्या खाली जी त्या ठिकाणी गर्दुले, दारू पिणारी मंडळी किंवा अन्य भिकारी वगैरे जे लोक आहेत, त्यांनी ज्या पद्धतीने तिथे शौचालय तिथेच, रस्त्यावरच, लघवी तिथेच, कपडे त्यांचे तिथे, आंघोळी तिथेच, असं किळसवाणा प्रकार आहे। तिथं येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना ती गोष्ट अतिशय त्रासदायक आहे, म्हणून यंत्रणेच्या माध्यमातून त्याच्यावरती नियंत्रण आणावं म्हणून आज माननीय आयुक्तांना आम्ही भेटलो। दुसरा महत्त्वाचा विषय होता तो वाशीगावमध्ये जे भारत सेवाश्रमच्या माध्यमातून कॅन्सर पेशंट हे नॉर्थ ईस्टच्या भागातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती राहण्यासाठी येतात आणि ते नंतर टाटामध्ये ट्रीटमेंट घेतात। माणसं आहेत, ट्रीटमेंट झाली पाहिजे। कॅन्सर हा संसर्गजन्य रोग नाही असा असूनसुद्धा ते कॅन्सरचे पेशंट हे संपूर्ण जर गावात फिरत राहिले तर तिथले जे मूळ रहिवासी आहेत त्यांना खरोखर तिथं आता कसं राहावं असा प्रश्न पडलाय। मनपा आयुक्त के समक्ष वासी गांव की पार्किंग समस्या का मुद्दा सुर्खियों में रहा। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि आबादी और मोटर वाहन बढ़ रहे हैं, ऐसे में वासी गांव में पार्किंग के अभाव में गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा करना मजबूरी है, जबकि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक तारों के नीचे पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उन्होंने कहा कि यदि सिडको और मनपा आपसी समन्वय करें तो वासी गांव में पार्किंग समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने आयुक्त अभिजीत बांगर के सकारात्मक रवैये पर भी भरोसा जताया कि जल्द ही मुद्दों का समाधान होगा। तीसरा प्रश्न जो वासी गांव का है तो पार्किंग का। प्रत्येक घर में एक एक दोन दोन तीन तीन गाड़िया है, गाड़िया उभे कुठे करायच्या? त्या गाड़िया उभे करण्यासाठी आपल्याला ज्या ठिकाणी टाटाची जी विद्युत वाहिनी है त्या खाली मोकळी जागा आहे शिडकोच्या माध्यमातून, ती जागा ह्या पार्किंगसाठी किंवा ह्या वापरासाठी दिलेली आहे, मग त्याचा वापर होत नाही। तो महापालिकेने आणि शिडकोच्या माध्यमातून परवानगी घेऊन त्याचा वापर पार्किंगसाठी करावा अशा प्रकारची विनंती माननीय आयुक्तांना केली आणि आयुक्तांनी या बाबतीत आम्हाला एक आश्वासित केलं की मी या बाबतीतसुद्धा तुम्हाला नक्कीच मदत करेन किंवा जी पार्किंगची व्यवस्था वाशीगावमध्ये होईल अशा प्रकारची कारवाई मी लगेच सुरू करतो असंही सांगितलं। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वर इंडिया।